नाम परनिया खान है और मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ और मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ करंटली। मैं 2017 में आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड में श्रीलंका गई थी जूनियर सेफ के लिए, मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था वहाँ से। उसके बाद मैंने साउथ एशियन गेम्स में नेपाल में रिप्रेजेंट किए, एशियन चैंपियनशिप कतर में रिप्रेजेंट किए, मालदीव्स में जूनियर सेफ में मुझे 2 ब्रॉन्ज मिले थे डबल्स और टीम इवेंट की कैटेगरी में। और अभी हम नेपाल गए थे, उधर हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग खेलने गए थे और हमारी पूरी टीम में भी हम सारे क्वालिफाई हो गए। उसके लिए यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ सिंगल्स कैटेगरी में। डबल्स अभी स्टार्ट होने वाला है तो आई एम होपफुल फॉर दैट एज वेल। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यंगस्टर्स के लिए और इसी तरह के और इवेंट्स आएंगे तो यंगस्टर्स टैलेंट बहुत ज़्यादा है। और मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ मैचेज हुए हैं, हर मैच ही मुश्किल था, नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं यहाँ पर। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फाइनल में आ गई हूँ, आई एम होपफुल फॉर दैट एज वेल। मेरी फैमिली की मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इसके पीछे और उन्हीं की वजह से कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा नाम कमर खान और बेटी परनिया खान है और माशाल्लाह पाकिस्तान भवन है और साउथ एशियन गेम्स खेल कर आई है, अभी वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं इनने। और बहुत हार्डवर्क करती है, बहुत मेहनत करती है, बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ प्रयासर ने इनिशिएटिव लिया है प्लेयर्स के लिए और उनके लिए प्राइज मनी भी रखा है, इनकरेजिंग टूर्नामेंट है। और माशाल्लाह परनिया फाइनल में पहुँच गई है, हाँ जी। और बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनत करती है। मैं परनिया की मदर हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बेटी माशाल्लाह फाइनल क्वालिफाई कर गई है। हम सब की बैकिंग उसके साथ है और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब उसके मैच होते हैं और मैं अपने घर के सब काम बंद करके उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ होती हूँ। मैं 2024 की पेरिस ओलंपिक्स को टारगेट कर रही हूँ और उसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क रिक्वायर्ड है और इसी तरह के और मैचेस होंगे तो एक्सपीरियंस भी मिलेगा और फिर इंटरनेशनल रैंकिंग बनेगी तो आगे मौका मिलेगा और हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि बहुत अरसे बाद मैंने देखा है कि एक बहुत वेल मैनेज्ड इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे और बाकी यंगस्टर्स आएंगे इसी तरह इन्हीं प्लेटफॉर्म्स से आगे इंटरनेशनल लेवल पर आएंगे।